बार चारों तरफ भी घुमा देना। डियर व्यूअर्स, आज हम ये बताना चाहेंगे कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी तथा इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस के कोलैबोरेशन से जो हम लोगों की नई वैरायटी इस साल निकली है, जो 17-18 वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद पूरा तप के बाहर आई है, वह है मालवीय मनीला सिंचित धान 1। यह भारत सरकार से बिहार और उड़ीसा के लिए रिलीज किया गया है अर्ली ट्रांसप्लांटेड कंडीशन के लिए, और 3 साल के पूरे प्रदेश उत्तर प्रदेश की टेस्टिंग पर उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इसकी संस्तुति दे दी है रिलीज के लिए कि यहाँ भी इसका विस्तार किया जाए। तो अब इस तरह से आप देखें कि पूरे धान का जो मेजर प्रदेश हैं धान ग्रोइंग के, उन स्टेट्स में यह बेस्ट कर रहा है अर्ली ट्रांसप्लांटेड कंडीशन में। यह 115 से 120 दिन में पक जा रहा है और 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, जो हमारा ऑल इंडिया का डाटा है उसमें एवरेज यील्ड है 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, और दाना है लॉन्ग सिलेंडर, इतना जल्दी पकने वाला और इतना ज़्यादा उपज देने वाला और इतना बढ़िया दाना लॉन्ग सिलेंडर कोई वैरायटी है नहीं अभी तक। यह धान लॉन्ग सिलेंडर मतलब देखने में बिल्कुल चावल बासमती टाइप का है, बासमती नहीं है लेकिन चावल बिल्कुल बासमती टाइप का है, बिकेगा किसानों का बिल्कुल बासमती जैसा दाम में। तो इतना उपज, इतनी लंबी दाना, लंबे बाली, इतना लंबा दाना और इतना उपज और इतने जल्दी 115 से 118 दिन में पकना, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए हम इसको बार बार कहते हैं, संभव है अगर भगवान का आशीर्वाद हुआ तो यह भारत का सेकेंड मिराकल राइस हो सकता है आफ्टर IR8। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा उपज और इतना जल्दी अनाज, जो जो किसान थोड़ा बहुत हमने दिया था एक एक दो दो किलो किसानों को पिछले साल, वो किसान कहते हैं कि अब हम दूसरा चावल नहीं लगाएंगे, दूसरा धान नहीं लगाएंगे, क्योंकि इतना जल्दी गरीब किसान बेचारे जिनके घर में खाने को नहीं है, इतना जल्दी तैयार होकर घर में अनाज आ जाए, ये बहुत बड़ी बात है। और कम लागत में 115 से 118 दिन में ऑलमोस्ट अगर नॉर्मल बारिश हुआ तो एक भी इरीगेशन नहीं देना होगा और ये कट जाएगा टाइम से। तो इतना जल्दी और इतना बढ़िया उपज देने वाला ट्रांसप्लांटेड कंडीशन में रिलीज किया गया, तो हम लोगों ने, और देखिए अगर हवा का झोंका दूसरी वैरायटी गिर जाती है, यह वैरायटी गिरती नहीं है, यह भी एक खूबी है कि धान पक जाने के बाद भी अगर खूब झोंका आया हवा का पानी के साथ, तो इसमें यह क्षमता है, टॉलरेंस पावर है, लॉजिंग टॉलरेंट है, और जितने भी डिजीजेज और इंसेक्ट पेस्ट हैं सबसे या तो रेसिस्टेंट है या तो मॉडरेटली रेसिस्टेंट है। तो किसानों को इनपुट भी कम देना है, दवाइयों के खर्च भी बच जाते हैं और इतना ज़्यादा उपज आता है। इसमें हम लोगों ने ये पिछले साल भी ट्राई ये किया था कि क्या यह ट्रांसप्लांटेड के लिए लगाया गया, इतना जल्दी इसका उपज हो जा रहा है, तो क्या हम लोग डायरेक्ट सीडेड के लिए भी कर सकते हैं? तो मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि डायरेक्ट सीडेड में भी बेस्ट कर रहा है ये। पिछले साल हमने पाया कि डायरेक्ट सीडेड में भी यह बेस्ट कर रहा है, जो बेस्ट वैरायटी डायरेक्ट सीडेड राइस के लिए पूरा नेशनल चेक के रूप में यूज होता है सहभागी दान, वो भी अभी आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से उससे भी अच्छा ये कर रहा है। तो ये रिलीज किया गया ट्रांसप्लांटेड कंडीशन के लिए, और ट्रांसप्लांटेड में अर्ली ट्रांसप्लांटेड में बेस्ट कर रहा है, और डायरेक्ट सीडेड राइस में भी यह बेस्ट कर रहा है पिछले साल जो हमने पाया, और इस साल फिर हमने ट्रायल लगाया कि इस बार फिर चेक करो कि क्या पोजिशन है। यहाँ हम अब आप लोगों को दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे ले आइए भाई, ये 1 जुलाई को ये सोइंग किया गया था, इसमें मालवीय मनीला सिंचित धान 1, इसको रोपाई मेथड से हमने किया है, और इसी के बगल में देखिए, यहाँ देख लीजिए 1 जुलाई को मालवीय मनीला सिंचित धान 1 लगाया गया था, ये डायरेक्ट सीडेड में देखिए, ये DSR डायरेक्ट सीडेड में लगाया गया था, देखिए पूरी तरह से बालियां आ चुकी हैं और जल्दी ही पकने की तरफ बढ़ेगा ये। और इसी डेट को सोइंग नर्सरी बेड में करके 1 जुलाई को ही सोइंग नर्सरी बेड में
मालवीय मनीला सिंचित धान वन यहां पर रुपाई मेथड से किया गया है। देख लीजिए, यहां दिखा दीजिए भाई। जी सर, ये देखिए वही वैरायटी उसी दिन बुआई हुई थी दोनों की, एक डायरेक्ट सीडेड में यहां किया गया था और एक ट्रांसप्लांटेड कंडीशन के लिए उसकी बुआई नर्सरी में की गई थी। दोनों का डेट आप देखिए, बुआई का डेट 1 जुलाई और रुपाई का डेट 20 जुलाई। 21 से 25 दिन में हम लोग जुलाई, ये 21 से 25 दिन में रुपाई कर देते हैं। अब जरा इनको दिखाए अंतर, खाली डायरेक्ट सीडेड दोनों का दिखाइए, यहाँ पे ये और ये दिखाइए, ये दोनों का अंतर देख लीजिए, इस फील्ड का और इस फील्ड का अंतर देख लीजिए कि डायरेक्ट सीडेड में कम से कम 7 से 10 दिन जल्दी पक जाएगा ये डायरेक्ट वाला। अब देखिए जो ट्रांसप्लांटेड कंडीशन में 115 से 120 दिन में पकने वाला है, वो इसमें ट्रांसप्लांटेड कंडीशन में 115 से 120 दिन पकने वाला है, वो डायरेक्ट सीडेड राइस में कम से कम 7 दिन पहले, अगर 118 दिन पे ट्रांसप्लांटेड वाला हो रहा है तो हमें लगता है कि 110 दिन में ये डायरेक्ट सीडेड वाला पक जाएगा। तो ये अंतर आप देख लीजिए, DSR में डायरेक्ट सीडेड राइस में भी ये बहुत अच्छा कर रहा है, जबकि ट्रांसप्लांटेड अर्ली ट्रांसप्लांटेड कंडीशन के लिए रिलीज किया गया है। पिछले साल चूंकि हमने देखा था कि डायरेक्ट सीडेड में बहुत अच्छा कर रहा है, तो अब यहीं पर हम ये भी दिखाएंगे कि इसके साथ सहभागी दान भी हमने लगाया है जो डायरेक्ट सीडेड के लिए नेशनल चेक के रूप में यूज होता है, उसको भी आप आए देखें। ये है सहभागी दान, इसका भी टाइमिंग करीब करीब वही ले रहा है। यह सहभागी धान यहां दिखाइए, डेट ऑफ सोइंग 7 जून क्यों लिखा है, वो भी 7 जून को था क्या, गलती से लिखा है, देखता हूं। देखता हूं। क्या करते हो तुम, एक साथ इसकी 1 जुलाई, एक साथ, हाँ 1 जुलाई, ये भी 1 जुलाई होगा, बताइए। अभी मिस्टेक हुआ है, 1 जुलाई को सेम डे सारा स्विंग हुआ है, यह सहभागी धान का भी हुआ है डायरेक्ट सीडेड में, ये देखिए, और इसी दिन सहभागी का ट्रांसप्लांटेड में हुआ है, ट्रांसप्लांटेड में हुआ है, देखिए वहां मिस्टेक हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, ये देखिए सहभागी धान ट्रांसप्लांटेड 1 जुलाई और 20 जुलाई को इसका 1 जुलाई को स्विंग हुआ है और 20 जुलाई को ट्रांसप्लांटिंग हुआ है, और ये यहीं पर डायरेक्ट सीडिंग, ये सहभागी धान इधर दिखाओ ना इसको, ये सहभागी धान डायरेक्ट सीडेड है, 1 जुलाई को सोइंग हुआ है डायरेक्ट सीडेड में, और यहाँ चूंकि ट्रांसप्लांटेड है तो इसको 1 जुलाई को सोइंग नर्सरी बेड में किया गया था, जो कि 20 जुलाई को इसका ट्रांसप्लांटिंग किया गया। इसी के साथ अब हमने जो यहाँ की जो बहुत पॉपुलर वैरायटी है साभा मसूरी, इसको भी हमने लगाया है DSR में, देखिए सेम डेट में सोइंग है, एक ही डेट में सभी तीनों वैरायटीज को किया गया है, ये देखिए 1 जुलाई 2024 को डायरेक्ट सीडेड राइस में सहभागी धान साभा मसूरी को ये सोइंग कर दिया गया है, कि इस वैरायटी को भी देखा जाए कि क्या पोजीशन है कंपेयर हमारे मालवी मनीला से करने में। और ये यहाँ तक जो है ये डायरेक्ट सीडेड है, डायरेक्ट सीडेड है, और यह सहभागी ये साभा मसूरी 1 जुलाई को यह ट्रांसप्लांटेड कंडीशन में लगाया गया है, 1 जुलाई को नर्सरी में इसकी बुआई कर दी गई थी साभा मसूरी की, और 20 जुलाई को साभा मसूरी का ट्रांसप्लांटिंग हुआ है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि क्या पोजीशन है डिफरेंट वैरायटीज का डायरेक्ट सीडेड में और ट्रांसप्लांटेड कंडीशन में, और जो वैरायटी मालवीय मनीला हम लोगों की नई निकली है, मालवीय मनीला सिंचित धान वन ट्रांसप्लांटेड कंडीशन के लिए लगाई रिलीज की गई है, लेकिन डायरेक्ट सीडेड में भी बेस्ट कर रही है, उसका रिजल्ट जब उपज आएगा नेक्स्ट लास्ट ईयर तो बहुत अच्छा आया था उपज, इस बार भी कैसा आता है ये आगे आप लोगों को बताया जाएगा। और एक होता है कि एन एरोबिक जर्मिनेशन के लिए भी हम लोगों ने ट्राई किया है मालवीय मनीला सिंचित धान वन को डिफरेंट सिचुएशन में, तो यहाँ भी पाया गया है कि एन एरोबिक
जर्मिनेशन भी बहुत अच्छा है। मतलब अगर DSR करते हैं एनएरोबिक कंडीशन में, एरोबिक कंडीशन में, हर कंडीशन में कैसा कर रहा है, तो यहाँ पे हम कहना चाहेंगे कि डायरेक्ट सीडेड राइस के लिए एरोबिक कंडीशन हो या एनएरोबिक कंडीशन हो, सभी सिचुएशन में मालवी मनीला ट्रांसप्लांटेड हो, सभी सिचुएशन में टॉप कर रहा है अपने ड्यूरेशन में। सो यह एक भारत के लिए, यह एक हम तो बार बार हमारे मुंह से ये निकल रहा है कि यह एक चमत्कारिक धान की वैरायटी है, और हम यही कहते हैं कि भारत की जो पहली चमत्कारिक IR8 वैरायटी थी वो भी फिलीपींस के द्वारा ही दिया गया था, और यह भी वैरायटी फिलीपींस के सहयोग से हम लोगों ने बनाया है। तो हमें उम्मीद है कि भारत की ये दूसरी चमत्कारिक धान की वैरायटी साबित होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातें बंद करूंगा और आगे वीडियो देता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, चारों तरफ जरा घुमा दो तो BHU का पूरा चारों तरफ बिल्डिंग वगैरह सब। उधर भी हमारा कर्म भी।